हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरोत्तम। आप देख रहे हैं टेक्निकल नरोत्तम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 4 इंच का स्पीकर होती है, इसका बास और साउंड आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्पीकर की बास और साउंड बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी इस टाइप का एक सीलिंग फ़ैन कैपेसिटर की। आपके पास जो भी सीलिंग फ़ैन के कैपेसिटर है, आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सही होना चाहिए, अगर वो ख़राब होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको चाहिए इस तरीके के जो भी एक ट्रांसफार्मर, आपके पास इन दोनों में से जो भी एक ट्रांसफार्मर रहे उससे आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर आपको ओल्ड CFL बल्ब की सर्किट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसमें जो 2 लेग होती है, और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसमें 4 लेग होती है। और ये जो 4 लेग वाला ट्रांसफार्मर अगर आप यूज करोगे, तो इसमें जो 2 लेग आपको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी बताएगा उसको यूज करोगे और 2 लेग को छोड़ दोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर जो स्पीकर की 2 पॉइंट देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट में ये जो कैपेसिटर की 2 वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, आप जहाँ पर भी जिसको सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को भी अभी से लाइक कर दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कैपेसिटर की 2 वायर को स्पीकर की 2 पॉइंट में सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो हमारा 2 लेग वाला ट्रांसफार्मर होता है, इसका 1 लेग को आप यहाँ पर स्पीकर की 1 लेग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, और इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं है, आप जहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इस स्पीकर को बजाने के लिए ये 6283 ऑडियो एम्पलीफायर IC का यूज करूँगा। अगर आपको इसका वायरिंग नहीं आता है तो आई बटन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। तो इसका जो ये येलो वाला वायर होता है, ये हमारा स्पीकर की पॉजिटिव होती है, और ब्लैक वाला वायर हमारा स्पीकर की नेगेटिव होती है। और ये हम ब्लैक वाले वायर को स्पीकर के नेगेटिव के साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, और इसको आप अच्छे से सोल्डरिंग कर दीजिए। और उसके बाद इसका जो येलो वाला वायर होता है, यह हमारा पॉजिटिव होती है, और इसको हम इस ट्रांसफार्मर की 2री लेग में कनेक्ट करेंगे। और मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ, और यह हमारा सोल्डरिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ कनेक्शन हो गया है, मैं अब इसको टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस जियोफोन से एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।